तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक जाधव यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी हर एक प्रकार को आपको मिलती रहती है और जिसके बारे में जो भी अपडेट रहती है मैं लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है जिस योजना में आपके अकाउंट में 12,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अगर इस सूची में आपका नाम रहेगा तब। तो पहले आप सूची में नाम देख लीजिए कि इस सूची में आपका नाम है या नहीं है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 12,000 रुपये क्यों दिया जा रहा है, कैसे आपको मिलेगा। पूरी वीडियो आखिरी तक देखिए, मैं लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, क्योंकि हर एक सरकारी योजना की अपडेट्स आपको समय समय से मिलती रहेगी। आइए चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। आइए पूरी बातें समझते हैं कि 12,000 वाली लिस्ट, 12,000 वाली सूची में अपना नाम हम कैसे देख पाएंगे। आइए पूरा प्रोसेस सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, चलना होगा क्रोम ब्राउजर के तरफ, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है, इस पर चेक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें लिखना होगा SVM लिख के आपको सर्च कर देना होगा। जैसे ही लिख के सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा, पेज को हम जूम करना चाहेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला जो दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अब देखिए आपके सामने इस तरह से सूची आ जाएगी। यहाँ पे हम पेज को जूम करना चाहेंगे और एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिपोर्ट्स का, इसके नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको A03 लिखा हुआ फर्स्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल साइट ओपन होगी और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं अपना स्टेट ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश, और यहाँ से मैंने इस पर सेलेक्ट किया। अब हमको क्या करना है, अपना जिला लेना होगा। यहाँ से ऑल डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके हम अपना एक जिला एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, औरैया मैंने जिला ले लिया। अब हमको क्या करना होगा, फिर पेज को जूम करेंगे, अपना ब्लॉक लेना होगा, सेलेक्ट ब्लॉक। मेरा जो ब्लॉक है वो मैं ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर व्यू रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे आगे की सूची आ जाएगी। अब इसको हम जूम करना चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके गांव का नाम, उस ब्लॉक में जितने गांव के नाम है ना वहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया बरेरा गांव, ठीक है, 7 नंबर पे है। और इसके सामने हम आएंगे तो यहाँ पर जो भी लाभार्थी हैं उनकी सूची दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 56 और 105, यहाँ पे 2 सूची है। तो दोस्तों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरे गांव की सूची आ चुकी है। अब इसके सामने जितने लाभार्थी हैं ना, यहाँ पे किस किस मंथ में किसको लाभ दिया गया है, ठीक है, किस किस, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रिपोर्ट बना है। तो यहाँ पे ब्लू वाला जो लिंक है ना, ये लेटेस्ट है। तो आपके गाँव में देखिए फर्स्ट वाले पे 138 लोगों का नाम है सूची में, लेकिन दोस्तों जो सूची है आपके ग्राम प्रधान के पास होती है। तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करके पता कर लें कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर नाम होगा तो 12,000 रुपये आपको दिया जाता है। शौचालय बनवाने के लिए भारत स्वच्छ मिशन के तहत 12,000 रुपये मिलते हैं आपको शौचालय बनवाने के लिए। अगर इस सूची में नाम नहीं है ना, तब भी आपको यहाँ पे ग्राम प्रधान जी के माध्यम से आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह लेकर आपका नाम इस सूची में जोड़ा जा सकता है। फिर आपको 12,000 रुपये शौचालय बनवाने के लिए दिया जा सकता है, देते हैं प्रधान जी लोग। तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके अपना ये फॉर्म फिल करवा के सूची में नाम ला कर 12,000 रुपये लेकर और अपना काम कर सकते हैं, शौचालय वगैरह बनवा सकते हैं। ये योजना भारत के PM प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जाती है, तो इसके तहत आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।